हाइट होना है वो मिलेगा। okay. तो आप लोग उसके हिसाब से कटिंग फिलिंग करोगे, देन यू मेक द परफेक्ट क्या बोलते हैं रोड प्रोफाइल। तो फिलहाल दिस इज़ द प्रोसेस। हम लोगों ने LHS रीडिंग ले ली है, अब RHS रीडिंग ले रहे हैं। तो उसके हिसाब से जहाँ पे हम लोगों को वी आर टेकिंग द सेम रीडिंग्स इन द सर्वे बुक। अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों का आज का काम ख़त्म हुआ, जैसे कि आज हमारा ट्रैवर्स ख़त्म हुआ, सपोज 250 मीटर, फिर 300 मीटर सपोज ख़त्म हुआ, तो नियर बाई जो TBM होता है, ट्रू बेंचमार्क जो होता है, वहाँ पे हम लोग ट्रैवर्स क्लोज करेंगे। क्लोज करके वेरीफाई करेंगे कि हमारा एरर ज़्यादा है कम है। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने जो भी वैल्यूज़ लिए है, अगर एरर बहुत छोटा हुआ, नेग्लिजिबल हुआ, तो हमारा ट्रैवर्स सही है। छोटा यानी 5 mm to 10 mm, उसके ज़्यादा क्रॉस नहीं करना। अगर ज़्यादा क्रॉस किया तो आपका प्रोफाइल में कुछ ना कुछ खामियाँ होगी। तो जहाँ पे यहाँ पे फाइनल पॉइंट बोलता हूँ मैं, अब फॉर एग्जांपल आपका पहला पॉइंट हुआ उधर सपोज 100 मीटर के मार्क पे, okay. तो ये रहा 150 सपोज, okay. तो आप लोग जितनी रीडिंग ले सकते हो ले लो। अगर जितना आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करोगे उतना एरर बढ़ने के चांसेस होते हैं। इट्स लाइक एरर गेट्स कैरीड टू एवरी शिफ्टिंग पॉइंट। तो अगर आप जैसे कि इंस्ट्रूमेंट जो सेट करते हैं, जैसे कि आप जब इंटरवल पे रखते हैं 10 मीटर, जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतना एरर्स बढ़ेंगे? नहीं, जितना कम रखेंगे उतना एरर्स रिड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, 10 मीटर का सेंटर पॉइंट है, okay. तो 10 10 10 के हिसाब से हम लोग यू नो क्रॉस सेक्शन कह लेंगे, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग 3 4 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे रखा है मिड में, वहाँ पे ब्लैक मार्क दिख रहा है आपको शायद, वो होता है 1 मीटर का मार्क, वो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर हम लोग लेंगे। जितना ज़्यादा लेवलिंग जो स्टफ होता है वो हाइट में वर्टिकली कितने मीटर का होता है? डिपेंड्स, इट माइट बी 2 3 4 5 4 to 5 meter का हाइट होता है, okay. तो हम लोग उतना प्रेफर नहीं करेंगे। सपोज अगर स्टाफ हाइट बहुत हाई होती है, okay. तो हवा की वजह से ऐसे थोड़ा टिल्ट विल्ट हो गया तो भी आपकी रीडिंग में बहुत फ़र्क आ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम एरर भी आ सकता है। तो हम लोग 2 meter का मैक्सिमम प्रेफर करेंगे, बिकॉज हम लोग का इंस्ट्रूमेंट भी हाइट भी उतना ही शिफ्ट होता है, ठीक है। जितना इंस्ट्रूमेंट हमारे आई लेवल पे होता है उसके हिसाब से हम स्टाफ रीडिंग पे फोकस करेंगे। टोटल जैसे कि यहाँ पे इंटरवल्स लेना चाहिए बैक साइड, जैसे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे LHS RHS, तो 5 लेना चाहिए मिनिमम। अगर उससे कम लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? ऐसा नहीं है, द थिंग इज रोड का विड्थ हम लोग पहले मेजर करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट के हिसाब से लेफ्ट में हमारा मैक्सिमम है 5 to 6 meter के इंटरवल पे, राइट है 5 to 6 meter के इंटरवल पे, ठीक है। तो हम लोग 5 रीडिंग्स मैक्सिमम फोकस करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे छोटू सा ऐसा कुछ जगह बची, तो जहाँ तक हम लोगों को हार्ड सर्फेस मिल रहा है वो रीडिंग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 meter वहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हम